नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। राजधानी में एक पूर्व प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी होने के बाद भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी करीब 2 साल से असली फोटो वायरल करने के नाम पर महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलार थाना पुलिस के मुताबिक बांसखेड़ी निवासी महिला शादीशुदा है। करीब 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी से पहले से उसकी पहचान पवन बंजारा से थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, तब पवन ने महिला के कुछ फोटो ले लिए थे। शादी होने के बाद भी वह लगातार उसके संपर्क में रहा और फोटो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा। करीब 2 वर्ष से वह ब्लैकमेलिंग कर शारीरिक शोषण कर रहा था। महिला ने हिम्मत कर पति को बात बताई और उसके बाद थाने आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश जारी कर दी है। जो है कोलार थाने के अंदर मामला आया 376 का, क्या पूरा मामला? एक थाना कोलार क्षेत्र में मामला आया था जिसमें महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने उसकी फोटोज जो कुछ वायरल करने की धमकी देने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला उस व्यक्ति के साथ शादी से पहले से जान पहचान में थी और उसका कहना है कि व्यक्ति ने उसको धोखे में रखते हुए उसकी फोटोज खींचे और उसको वायरल करने के नाम पर उसको दुष्कर्म करता। इसमें हम लोगों ने टीम भी रवाना कर दी है। अभी जो आरोपी वो फरार है, हम जल्दी से पकड़ लेंगे। आरोपी का नाम क्या है सर?